नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज और मैं हूं आपके साथ अदिति। जिसका डर था एक बार फिर वही हो गया। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत आ गई है। फिलहाल गहलोत सरकार ने कुछ सख्ती दिखाई है और 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ये नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा और 22 मार्च यानी आज रात से शुरू हो जाएगा। इस नाइट कर्फ्यू के साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, जैसे 25 मार्च से बाहर से राज्यों से आने वाले लोगों को अब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इस गाइडलाइन में और क्या क्या सख्ती दिखाई गई है, आइए देखते हैं। राजस्थान में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल है। नाइट कर्फ्यू आज 22 मार्च से शुरू होगा, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कोरोना कोर ग्रुप की बैठक में एक बार फिर से सख्ती करने का फैसला लिया गया। शनिवार को बीते 70 दिन का रिकॉर्ड टूटा था। राज्य में एक ही दिन में 445 नए मामले सामने आए। इसके अलावा हर हफ्ते प्रदेश में कोरोना के नए केस 29% की दर से बढ़ रहे हैं। कोरोना केस इसी गति से बढ़े तो मार्च के आखिरी तक पिछले साल मई जैसे हालात हो जाएंगे। इस गाइडलाइन में 25 मार्च से दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। वे यात्री जो नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे, उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। सभी जिलों में कलेक्टर संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था भी फिर से शुरू करेंगे। पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य थी, लेकिन अब सभी राज्यों के लिए अनिवार्य किया गया है। इस संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में फिर से मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था होगी। जहां 5 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए, उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। वहीं स्कूलों की बात करें तो प्रदेश में प्राथमिक स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इससे ऊपर की कक्षाओं और कॉलेजों में 50% से ज्यादा छात्र नहीं आ सकेंगे। स्कूल आने वाले छात्रों की स्क्रीनिंग और रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य होगी। नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें लगातार उत्पादन होता है, जहां नाइट शिफ्ट की व्यवस्था है। इसके अलावा IT कंपनियां, रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित दफ्तर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन, लोडिंग और अनलोडिंग में काम करने वाले व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।